स्टूडेंट्स, मायसेल्फ विशी छतवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पहला सैम्पल पेपर। इससे पहले डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे डिफरेंट डिफरेंट MCQs वीडियो मैंने बना रखे हैं, होप आपने देखे होंगे। और आज अपन डायरेक्ट सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करेंगे। और आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे आ गया? टोटल सर 150 क्वेश्चन का सैम्पल पेपर है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और पूरे क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दे रखा है, वहाँ पूरे 150 क्वेश्चन आप फ्रीली देख पाएंगे, उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए सर, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या सही नहीं है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। अब सेकेंड फार्मूला है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस COGS। अब हम कैसे फैसला करेंगे कि इसमें कौन सही है कौन नहीं? इसलिए हमें एक बुनियादी फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर ये कहीं फॉर्मूला है तो ये सही है। तो अपन फॉर्मूलाज में नीचे देखते हैं। आप देखिए, जो सी फॉर्मूला लिखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ये जो दे रखा है ये सही है। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन थोड़े से फॉर्मूले घुमाते हैं। अपने को ऊपर ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला भी दे रखा है, जैसे पहला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक का है। तो आप ऐसा कीजिए, ओपनिंग स्टॉक को तो आप यहीं रहने दीजिए, और फॉर्मूला में भी COGS इधर है माइनस परचेज, इधर आके माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक का हमने देखा कि COGS, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को इन्होंने माइनस कर रखा है, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। और अगर अपन और फॉर्मूला देखें तो एक फॉर्मूला इन्होंने बी में दे रखा है कि परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक को आप यहाँ रहने दीजिए, और माइनस का क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस COGS कैन बी सेड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यही लिखा हुआ है, तो ये वाला भी सही है। तो वैसे तो आइडेंटिफाई हो चुका है कि कौन सा सही नहीं है, फिर भी अपन तसल्ली कर लेते हैं। लास्ट में लिखा है, और लास्ट में इन्होंने फॉर्मूला दिया है वो भी ओपनिंग स्टॉक का है, और उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है COGS प्लस के फॉर्म में है और परचेज माइनस के फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। यानी जो लास्ट वाला दे रखा है फॉर्मूला, ये वाला भी सही है। तो आप इसमें पाएंगे कि जो पहला फॉर्मूला है वो सही नहीं है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सही नहीं है पहचानना था। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है, विपणन के 4 P क्या हैं? जो हम कहते हैं मार्केटिंग के अंदर 4 P होते हैं, वो 4 P कौन से हैं? तो ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दूसरे में है प्लानिंग, प्रोडक्ट। तो देखिए, प्लानिंग का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। प्रमोशन, परचेज, प्राइस, प्रोडक्ट, परचेज का भी कोई लेना देना नहीं है। पैकेजिंग, प्लानिंग, प्राइस, प्रोडक्ट, इसमें पैकेजिंग का भी कोई लेना देना नहीं है। तो ए इसके अंदर सही है। देखिए, अगर आप मार्केटिंग की दुनिया में जा रहे हैं तो 4 P, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं या सेवा दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, आपको उसका प्राइस क्या रखना है, आपको ऊँची प्राइस रखनी है, सस्ता प्राइस रखना है, मार्केट में जो प्राइस पॉपुलर है वो रखना है, यानी आपको प्राइसिंग का डिसीजन लेना होता है। तीसरा प्लेस, आपको अपना कस्टमर पहचानना होता है, जिसको आज की भाषा में नीश बोलते हैं, कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस पहचानना होता है कि आप अपना प्रोडक्ट किनको बेचना चाहते हैं, किस ज्योग्राफी टेरिटोरियल में बेचना चाहते हैं और किनको पिच करना चाहते हैं, तो वो पता होना चाहिए। और फोर्थ है प्रमोशन, कि आप अपना प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, विज्ञापन करेंगे तो विज्ञापन का माध्यम कौन सा होगा। तो मार्केटिंग के अंदर सर ये 4 P इंपॉर्टेंट है। आप क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट किस कीमत पे बेच रहे हैं, सस्ता महंगा जैसा भी आपको रखना है, किनको बेच रहे हैं, उनकी ज्योग्राफी क्या होगी, उनका भौगोलिक लोकेशन क्या होगा, या वो किस एज ग्रुप के होंगे या किस जेंडर के होंगे, यानी आपका टारगेट कस्टमर कौन है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट, आप उन तक पहुंचेंगे कैसे, आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस कैसे लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो दीज आर द 4 P, इसका आंसर ए रहने वाला है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर 13वां क्वेश्चन कहता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 15,000 एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज 3,000।
इनकम इन द फर्स्ट 5 ईयर बिफोर इट्स डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 3,000, 4,200, 4,800, 5,000 एंड 5,800 रिस्पेक्टिवली. डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूमिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स टू बी 50%. द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी. वेल, क्वेश्चन को आपने देखा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है. तो ये क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन. हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और जिसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काम आता है. ठीक है, ये मुझे क्यों बताना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काम आता है, क्योंकि टेबल ऐसे चलता है. सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. उसमें से पहले हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, उसके बाद हम टैक्स लेस करते हैं, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और इसमें अगर डेप्रिसिएशन को वापस से जोड़ा जाता है तो आता है CI. कैपिटल बजटिंग के अधिकतर मेथड में CI काम आता है, लेकिन जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड है उसके अंदर PAT काम आता है. ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर आप चाहें तो अलग अलग 5 साल की कैलकुलेशन कर सकते हैं. और मैं अभी इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में करूँगा, तो मैं 5 साल की एक साथ कैलकुलेशन कर लेता हूँ. तो हमने कितना पैसा कमाया ज़रा देखिए, 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16 और 5 21, और पैसे जोड़े तो ये हो गए आपके 22,800 रुपये. आप सारा जोड़ेंगे तो आपने 22,800 रुपये पैसा कमाया 5 साल के अंदर. ये आपका प्रॉफिट है मोटे तौर पे. इसमें से आप डेप्रिसिएशन काटेंगे, 15,000 रुपये आपने प्रोजेक्ट में लगाए और 3,000 रुपये उसकी रीसेल वैल्यू है, तो 12,000 रुपये हो गया डेप्रिसिएशन. तो बाकी क्या बचा सर, बाकी बचा आपका 10,800. बाकी आपका बचा 10,800. अब आप टैक्स कितना देंगे, 50%. तो आपका आधा पैसा तो टैक्स में चला जाएगा, तो बाकी आपके पास कितना पैसा बचा, 5,400 रुपये. ध्यान दीजिएगा, ये 5,400 आपने कमाया है 5 साल में, तो आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ 1,080 रुपये, 1,080 रुपी. तो आपने जो एवरेज कमाया है वो है 1,080 रुपये, और 15,000 आपने प्रोजेक्ट में लगाया, 3,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9,000 रुपये आएगा. ये 9,000 आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है. ये मैंने जो ऊपर रखा है वो क्या है, एवरेज पैट, और नीचे मैं जो 9,000 रख रहा हूँ वो क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट. इसका मोटे तौर पे मतलब होता है कि हमने लगभग 9,000 रुपये लगाया और 1,080 रुपये कमाया, तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो आएगा 12%. देखिए, एक वीडियो सुनने के पीछे क्या मकसद होता है, या एक सैम्पल पेपर अटैम्प करने के पीछे मकसद क्या होता है, मेरा मानना है कि हमें ये ध्यान आए कि ये चैप्टर हमने कर रखा है या नहीं. अगर ये चैप्टर कर रखा है तो ये क्वेश्चन हमसे हुआ या नहीं. क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ इसका मतलब है ये आपका वीक एरिया है, ये आपका कमज़ोर क्षेत्र है. तो प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, या सैम्पल पेपर अटैम्प करने से हम क्या करते हैं, हम अपने वीक एरिया की, अपने कमज़ोर क्षेत्र की पहचान करते हैं और फिर उसके ऊपर मेहनत करते हैं. यही इसीलिए कहते हैं कि डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. तो प्रैक्टिस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उन्हीं को करे जाएं, बल्कि प्रैक्टिस में आपको डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल पेपर्स लगाने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पेपर्स लगाने चाहिए, क्वेश्चन बैंक लगाने चाहिए, ताकि आप देखो कि उस चैप्टर को आपने टच किया है या नहीं. और अगर वो छूट गया था तो अच्छी बात है कि आपको अभी, अगर जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ अभी एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ताकि उसको कैसे उससे निपटना है वो अप्रोच आपकी अभी से डेवलप हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम के दिन परेशान ना हो. तो इट्स वेरी सिंपल टू स्टडी, जस्ट स्ट्रैटेजीज फॉलो कीजिए. मैंने जैसे कहा, आप चाहें तो ये वीडियो सुने, बहुत अच्छी बात है. और अगर आपने कर रखी है तैयारी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरे 150 क्वेश्चन की PDF दे रखी है. आप जाइए और सीधा उन क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए और अपना स्कोर बताइएगा कितना स्कोर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर 12% आ गया है. उसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथा मतलब वैसे है बट PDF के अंदर 15वें क्वेश्चन में आपको मिलेगा, एक वस्तु की 200 इकाइयां बनाने की लागत 1600 है, लेकिन यदि इस वस्तु की 400 इकाइयां बनाई जाए तो लागत 2,000 रुपये आती है, तो स्थिर लागत कितनी होगी. अब आप गौर कीजिए, आपने जो पहला सीज़न है उस पहले सीज़न में यूनिट्स कितनी बनाई, 200. आपने अगले सीज़न में यूनिट्स कितनी बनाई, 400. ये तो हो गया यूनिट्स की बात, इसको अपन फर्स्ट ईयर और इसको अपन सेकेंड ईयर कह लेते हैं.
जहाँ तक बात है आपके रुपए कितने लगे, जब आपने पहले यूनिट्स बनाए तो आपके 1600 रुपए लगे और जब आपने बाद में यूनिट्स बनाए तो आपके 2000 रुपए लगे। तो आप देखिए कि परिवर्तन कितना आया। तो मैं कहूँगा सिंपली आपका 400 रुपया कॉस्ट बढ़ गया, पहले के मुकाबले आपका कॉस्ट 400 रुपये बढ़ गया और पहले के मुकाबले आपने 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए हैं। दैट इज 400 रुपये आपका खर्चा है, 400 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा आया और 200 आपने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए। यहाँ से आपको समझ में आएगा 2 रुपये पर यूनिट। अब ये क्या आंसर है? अगर आपसे पूछता कि बताइए इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, इस क्वेश्चन में परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई क्या है, तो आप 2 रुपये आंसर देते, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये देते। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे जो पूछा है वो है फिक्स कॉस्ट। तो अब मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि जब 200 यूनिट थे, 200 यूनिट थे तो 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 400 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इसका मतलब है इस 1600 के अंदर से बाकी की जो कॉस्ट हुई वो 1200 रुपये फिक्स कॉस्ट हुई, ठीक है। या मैं इन 400 यूनिट पर बता सकता हूँ कि इन 400 यूनिट पे 800 रुपये जो है वो तो है वेरिएबल कॉस्ट और बाकी की जो कॉस्ट है जो कि करीबन 1200 रुपये है वो है फिक्स कॉस्ट। तो अगर आपसे फिक्स कॉस्ट पूछी है इस क्वेश्चन में तो वो 1200 रुपये आएगी और वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर वो पूछता तो वो 2 रुपये प्रति इकाई आएगा, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। यस, इसका आंसर 1200 रुपये। पीडीएफ का 19वां क्वेश्चन कहता है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट ऑफ सुसाइड अफेक्ट्स फ्रॉडेंटली मिसरिप्रेजेंटेशन कोर्जियन विद अनड्यू इन्फ्लुएंस। आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति प्रभावित होती है कपट से, मिथ्या वर्णन से, उत्पीड़न से या अनुचित प्रभाव से। देखिए सर, जैसे अगर ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति को धमकी देता है कि अगर आपने मेरे साथ ये अनुबंध नहीं किया तो मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा, या ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कहे कि अगर आपने मेरे साथ अनुबंध नहीं किया तो मैं आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दूंगा। तो जब हम व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं तो वो तो उत्पीड़न की श्रेणी में आती ही है। लेकिन यहाँ तक कि ए अगर ये धमकी देता है कि अगर आपने मेरे साथ अनुबंध नहीं किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, तो सर ये धमकी भी उत्पीड़न ही है। यानी यहाँ पे आप किसी के साथ अनुबंध करने के लिए उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो, हालांकि आप ये कह रहे हो कि मैं नुकसान खुद को पहुंचा लूँगा, तो ये भी उत्पीड़न की कैटेगरी में आएगा। इस तरह की सहमति बाय कोर्जियन उत्पीड़न से कहलाएगी और आपको पता है कि इस आधार पर अगर वो व्यक्ति घबरा के अनुबंध कर भी ले, वो ठहराव कर भी ले, तो वो ठहराव व्यर्थनीय होता है। व्यर्थनीय होता है का मतलब ये है कि आगे जाके वो पक्षकार अनुबंध से मुकर सकता है, ठहराव से पीछे हट सकता है, क्योंकि वो ठहराव उस समय उसने दबाव में आके किया था और उसकी जो सहमति थी वो स्वतंत्र सहमति नहीं थी, अतः वो पीछे हट सकता है। अनुबंध व्यर्थनीय होता है जब उत्पीड़न के आधार पर सहमति प्राप्त की जाए और वो जो सहमति होती है वो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। आत्महत्या उत्पीड़न का ही एक प्रकार है, उत्पीड़न की कैटेगरी में उसे रखा जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ के अंदर 2200 क्वेश्चन। विक्रय किए गए माल की लागत 120,000 है, कॉस्ट तो है 120,000 और सकल हानि हुई है विक्रय का 1/4, तो विक्रय की राशि होगी। वेल, मैं आपको एक बात तो दावे से बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट है वो चूंकि 120,000 रुपये है और चूंकि इनको हानि हुई है, अतः इनका जो सेल्स मूल्य रहा होगा वो सेल 120,000 रुपये से कम रहा होगा। कितना रहा होगा उसको तो मैं अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा दो तरीके से, पर ये बात पक्की है कि आपकी जो सेल है वो आप पक्का मानिए 120,000 से कम रही होगी। तो इसमें जो 144 है वो तो आंसर नहीं आने वाला क्योंकि इसको इनको हानि हुई है। अब हानि कितनी हुई है वो लिखी है 1/4 और 1/4 किसका लिखा हुआ है, विक्रय का 1/4। इसका क्या कहना है कि हमें 4 रुपये के विक्रय पर 1 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब है कि इसकी कॉस्ट 5 रुपये होगी। अब वापस सुनिए क्या कहता है, 4 रुपये के विक्रय पर मुझे 1 रुपये की हानि हुई है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसकी कॉस्ट 5 रही होगी क्योंकि आप 4 रुपये में सेल कर रहे हो, 4 में सेल करके बोलते होंगे मेरे को 1 का नुकसान हो गया, तो आपकी कॉस्ट 5 रही होगी।
आप इसके आधार पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सैद्धांतिक तरीका आपको बता रहा हूँ कि ₹5 कॉस्ट है तो आपकी सेल आएगी ₹4, और ₹1 अगर आपकी कॉस्ट है तो आपकी सेल आएगी 4/5, और अगर 1,20,000 रुपये आपकी कॉस्ट है जो कि दे रखा है तो आप इसके ऊपर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे देन यू विल फाइंड 96,000। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका ₹96,000 आएगा। वैकल्पिक रूप से मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो, अगर अपन ये माने कि इसकी 1 लाख की सेल है, 1 लाख की सेल है तो इसको जो लॉस होगा वो कितना लॉस होगा, इसको जो लॉस होगा वो 20,000 का होगा। आराम से सुनिएगा, अगर 1 लाख रुपये को सेल माने तो इसका लॉस कितना होगा, 20,000 रुपये। और उस केस में ये कितना बना, ये बना 1/5, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर अपन 90,000 रुपये की सेल माने तो आपको लॉस कितने का हुआ, 30,000 का। और अगर अपन 30,000 रुपये इसको सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, 1/3, तो ये भी सेट नहीं हुआ। लेकिन अगर अपन 96,000 को सेलिंग प्राइस माने तो आपको लॉस कितने का हुआ, आपको लॉस हुआ 24,000 का। और 24,000 96,000 का कितना होता है, 1/4। इन्होंने यही तो कहा था कि इनका लॉस का परसेंटेज क्या है, इनका लॉस है 1/4। तो ये तरीका भी, यानी आप ऑप्शन लगाकर भी सर कर सकते हो। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो कॉन्सेप्ट से कीजिए, वो तो दी बेस्ट तरीका है। और दूसरा, अगर आप चाहें तो ऑप्शंस की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर सी आ जाता। काफ़ी टाइम से ही जो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी कि भाई सर वो वीडियो लेक्चर्स तो ठीक हैं, क्योंकि जैसे मैंने करीबन 100 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं फर्स्ट ग्रेड पे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आप वो तो खैर देख ही रहे हैं। और कई लोगों का कहना था कि सर हमारी कोचिंग हो चुकी है, हमारी तैयारी जो होनी थी वो हो चुकी है, अब हमें देखना है। और कई बार एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो उस समय बंदा वीडियो सुनने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहता है। तो एक डिमांड आ ही रही थी कि सैम्पल पेपर रिलीज़ करो। तो इससे पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट के सैम्पल पेपर्स बनाए थे और अब मैं फर्स्ट ग्रेड के सैम्पल पेपर्स रिलीज़ करने जा रहा हूँ, और ये 21 मई से अवेलेबल होंगे। अगर आप ये वीडियो 21 मई के बाद देख रहे हैं तो आपको ऐप में आराम से मिल जाएंगे, और उससे पहले भी जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे मैं ऐप के अंदर उसको अपलोड करता जाऊंगा। और तो टोटल क्या है सर, टोटल 50 सैम्पल पेपर्स मैं बनाने जा रहा हूँ, और हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। और ये 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन तो जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट जो कॉमर्स में है वो होंगे, और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के ऊपर भी होंगे। तो पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जिस तरह से एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। मैंने भी टू द बेस्ट कोशिश की है कि पूरा सिलेबस मैं कवर करूं, पूरा ध्यान रखा है कि क्वेश्चंस में रिपीटेशन ना हो, पूरा को ध्यान रखने की कोशिश की है कि क्वालिटी क्वेश्चंस हों, सिंपल एवरेज अबव एवरेज टॉप क्लास क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन देने की कोशिश की है। तो होप आपको प्रयास पसंद आएगा। और इसीलिए पहले मैंने 6 सैम्पल पेपर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपको एक क्वालिटी का आइडिया हो जाए कि कितनी क्वालिटी के क्वेश्चन हमें मिलेंगे या किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। और देन फिर मैं जो कहूँगा, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो केवल फॉर्म भरने के लिए नहीं भरता, जो केवल रोडवेज में सफ़र करने के लिए फॉर्म नहीं भरता, जो एक सीरियस कैंडिडेट है, मैं तो उसे डेफिनेट रिकमेंड करूँगा कि उन्हें ये बुक लेनी चाहिए। मात्र 249 में अवेलेबल है, और आपको 7,500 क्वेश्चन का मेरे हिसाब से एज़ पर मी एक बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा। और क्वेश्चंस में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, तो बिल्कुल दोनों ही डुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे गए हैं, और हर थोड़े क्वेश्चंस के बाद उसके आंसर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इवन आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर है वो कुछ और होना चाहिए था, या आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सके। तो एक डाउट क्लियरेंस फैसिलिटी भी है, आप जस्ट अपना डाउट व्हाट्सएप कर दें, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कहूँगा डेफिनेट डेफिनेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आदमी हर तरह के कोर्स परचेज करता है, फिर तो उसको लगता है यार ये तो इतना अच्छा नहीं था या नुकसान हो गया। तो फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपका एक बुरा तजुर्बा भी कहीं रहा हो तो यहाँ आप ऐसा कोई धोखा नहीं खाएंगे, और आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और उसके लिए पहले आप कुछ फ्री पेपर्स, जैसे एक पेपर तो आज ही मैंने इस वीडियो के नीचे भी डाला है, तो ऐसे 6 पेपर तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उससे क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लीजिएगा।
और फिर अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इन क्वेश्चंस को करिए और आप पाएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे या ये ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, पीडीएफ का 26वां, हिडन या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग हाउसवाइव्स, अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, इंगेजमेंट ऑफ मोर पीपल इन सम वर्क विच कैन बी डन बाय फ्यूअर पर्सन। छिपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। जी सर, ये है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो प्रछन्न बेरोजगारी क्या होता है? जब किसी काम को 4 लोग कर सकते हैं तो वहाँ अगर ज़बरदस्ती आपने 5वें व्यक्ति को भी लगा रखा है, 6ठे व्यक्ति को भी लगा रखा है, तो इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, इनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है, वो शून्य होती है। मतलब वो आपको काम पे लगे हुए तो दिखाई देंगे पर उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये अभी थोड़ी सी फिलोसफिकल बात हो जाएगी, लेकिन आप भी ये सोचिए कि आप इस धरती पे या दुनिया पे हैं तो आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अगर आपके होने से कुछ फ़र्क पड़ता है तो आपके होने का मतलब है, और नहीं फ़र्क पड़ता ठीक है, या आपकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो बुरा ना मानिएगा, बात कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ अपने आप को आप लायक बना लीजिए, बनाएंगे भी श्योर आप लोग, ताकि कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि आपकी कुछ उत्पादकता हो, आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क पड़ता हो। ऐसा वो जिस काम को कम व्यक्ति कर सकते हैं उस काम में ज़बरदस्ती ज़्यादा लोगों का लगे रहना कहलाता है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, हिडन या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33rd, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? हम व्यावसायिक संगठन वाला चैप्टर देखते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, पार्टनरशिप होती हैं, सॉलिटेरी बिजनेसेस होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, इनमें सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जो एकाकी व्यापार है वो सर वर्षों से, सदियों से, शताब्दियों से चला आ रहा है। एकाकी व्यापारी जो सोल ट्रेडिंग है वो बहुत ही वर्षों से चलती आ रही है। अगर कॉपरेटिव सोसाइटी देखें तो वो 1904 के आसपास से शुरू हुई, पार्टनरशिप का एक्ट 1932 का इसका एक्ट है, कंपनीज एक्ट अभी 2013 है, उससे पहले 1956 भी था, उससे पहले 1913 का भी एक्ट था, लेकिन फिर भी ये 19वीं या 20वीं शताब्दी के ही संगठन स्वरूप हैं। एकाकी व्यापारी का प्रचलन तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, तो एकाकी व्यापार सबसे संगठनों का सबसे पुरातन स्वरूप वही है। पीडीएफ का 36 क्वेश्चन कहता है, द फॉलोइंग एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ विकास लिमिटेड। आप विकास लिमिटेड की पुस्तकों में ये एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, 2.8% डिवेंचर अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? बैंक अकाउंट DR हो रहा है मतलब हमारे खाते में पैसा आया, लॉस DR हुआ है मतलब डिवेंचर इशू करने से हमें लॉस हुआ, 1,00,000 के डिवेंचर हमने इशू किए और 8,000 हम प्रीमियम देने वाले हैं। ठीक है, अब गौर कीजिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है, डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ, बताओ इनको ये बताना है कि डिवेंचर्स पे हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कितना बट्टा दिया गया है, ये हमें समझाना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको 13,000 का नुकसान हुआ, आप भी ये समझो कि नुकसान क्यों होता है। नुकसान दो वजह से होता है, या तो हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, जब हम डिवेंचर को सस्ते पे देते हैं जिसको डिस्काउंट पे इशू करना कहते हैं तब हमें नुकसान होता है, या हम प्रीमियम का वादा करते हैं, जब हम प्रीमियम का वादा करते हैं तो हमें नुकसान होता है। अब हमने 8,000 रुपये तो प्रीमियम का वादा किया है इसलिए नुकसान हुआ है, और 13,000 के नुकसान में बाकी इसका मतलब है कि 5,000 का नुकसान हमें डिस्काउंट की वजह से हुआ है। तो इसका आंसर है 5,000 रुपये, पर ऑप्शन में आंसर जो दे रखे हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखे हैं। हो सकता है अमाउंट के रूप में होता तो 5,000 आंसर आता, अब मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ। 1,00,000 रुपये का डिवेंचर है,
5,000 का डिस्काउंट उन्होंने दिया है, इसका मतलब ये परसेंटेज 5% आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 5% डिस्काउंट। ठीक है सर, होप आपको समझ आ रहा होगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी हिंट एक बार सुन लीजिए कि ऋण पत्रों का निर्गमन किया उसका वास्तविक मूल्य 1,00,000 है, हमें कुल हानि 13,000 की हुई, उसमें से 8,000 रुपये तो हमें प्रीमियम देना है उस वजह से हुई, 5,000 की शेष हानि बट्टे की वजह से हुई, और ये जो परसेंटेज है वो 5% है। ठीक, ऐसे कई हिंट मैंने PDF के अंदर भी दे रखे हैं और वो आपको बहुत यूजफुल लगेंगे। और 49th क्वेश्चन, इन अ सीरीज द अर्थमेटिक मीन इज टेकन, द सम ऑफ द डिविएशन इज मैक्सिमम सम, मिनिमम सम, जीरो सम या इनफाइनाइट। अब आप ये समझो कि कोई श्रेणी है, श्रेणी में कुछ पद होते हैं, मान लीजिए आपके पद दे रखे हैं 5, 8, 4 और 7। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, और ये कर लेते हैं 6 30। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके पदों का जो योग है 5, 13, 17, 24, 30, आपके पदों का जो योग है वो है 30, और आपका जो समांतर माध्य आया है वो आया है 6। यहाँ के बाद अब आप जब विचलन लेंगे तो विचलन क्या होता है, विचलन होता है ये जो पद है और ये जो मीन है उसके बीच की दूरी, ये 5 और 6 के बीच में जो दूरी है वो है माइनस का 1, ये है 8 और ये है 6, इसके बीच की दूरी है 2 पॉजिटिव, ये 4 और 6 के बीच की दूरी है माइनस का 2, ये 7 और 6 के बीच की दूरी है 1 पॉजिटिव, 6 और 6 के बीच की दूरी है 0। जब आप इसका योग करेंगे, डिविएशन को डी से डिनोट करते हैं, जब आप सिग्मा डी करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो आपको अर्थमेटिक मीन की ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब मीन निकालने के बाद डिविएशन निकाले जाते हैं, विचलन निकाले जाते हैं, तो इन विचलनों का योग हमेशा और हमेशा 0 आएगा। अगर अर्थमेटिक मीन यूज़ किया गया है तो सम ऑफ डिविएशन विल बी इक्वल टू 0। होप ये सारे क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए वो आपको अच्छे लगे होंगे। मैं अभी इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ और पूरी उम्मीद है आप PDF डाउनलोड करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, PGT TGT चीटर्स कॉमर्स में बनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेट अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए सर, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे वीडियोज़ अभी और बनाऊँगा।